अभिनंदन को छोड़ना वोड़ना एक डिबेट है जिस पर मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन अभिनंदन को जाहिर है छोड़ना तो था। चाय पिला के छोड़ते, खाना पिला के छोड़ते, जेनेवा कन्वेंशन आपके सामने आ जाते हैं, वहाँ पर RCD आती और रेड क्रिसेंट आती, वो आपसे बात करती और आपको छोड़ना पड़ता, तो आपने वक्त पर छोड़ दिया, बेहतर हो गया। पहली बात तो यार, सादिक एक ठीक ठाक बंदा था, अच्छा था, इमरान खान साहब के भी दोस्त रह चुके हैं, शायद क्लास फेलो भी रह चुके हैं, और उनके मुँह से ये सब कुछ सुनना मुझे लगता है कोई हिज्यान था, कोई हिज्यानी कैफियत थी, कोई गुस्सा था, कोई सदमा था। ये बिल्कुल ऐसे ही, जब मैं कह दूँ कि जब नवाज शरीफ को हटाया गया, नवाज शरीफ को इकदार से छोड़ना पड़ा, तो अयाज सादिक को बेहोश हो गए थे, अयाज सादिक बेहोश हो गिर पड़े थे, उनके पसीने छूट गए थे और वह घर से भाग गए थे। बिल्कुल ऐसे ही है कि हीरसे पर मैं बात कर लूँ, लेकिन मैं समझता ही हूँ जनरल साहब ने बहुत दो टोक अंदाज़ में बात की है कि ये नाकाबिले कबूल है, ये हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हम जानते हैं, उस दिन भी मेरी आपसे बात हुई थी, कि हमारे तैयारों ने किस खूबसूरती के साथ, किस प्रोफेशनलिज्म के साथ, किस हुब्बुल वतनी के साथ मकबूजा कश्मीर में वो इलाका, उस इलाके में गए जहाँ इनका गैरेजन था, जहाँ इनके अड्डे थे, जहाँ इनके ठिकाने थे, और 6 टारगेट्स को ज़ीरो किया, ज़ीरो करके वार्निंग दी और वार्निंग करके इधर उधर गोले मार दिए कि हम ये भी कर सकते हैं, और वापस आ गए। और जो तलात हैं वो ये कहती हैं कि बिल्कुल ताकुब में हिंदुस्तानी आए, जिनमें अभिनंदन भी था, और उसको वो रोकते रहे, लेकिन वो घुस के क्योंकि स्पीड में था तो अंदर आ गया, और हम वो उसी तलाश में थे, हम वही मौका था, कुछ तैयारे ऊपर थे, कुछ तैयारे नीचे थे, दो तैयारे निकले, उन्होंने शिकार को इस तरह पकड़ा जैसे बिल्ली कबूतर को पकड़ती है। तो ये तो तारीखी वाकया, सब जगह लिखा हुआ है, ये तमाम दुनिया के गूगल सर्च कर लें आप कि कितनी बड़ी तारीख हुई है। अभिनंदन को छोड़ना वोड़ना एक डिबेट है जिस पर मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन अभिनंदन को जाहिर है छोड़ना तो था, चाय पिला के छोड़ते, खाना पिला के छोड़ते, जेनेवा कन्वेंशन आपके सामने आ जाते हैं, वहाँ पर RCD आती और रेड क्रिसेंट आती, वो आपसे बात करती और आपको छोड़ना पड़ता, तो आपने वक्त पर छोड़ दिया, बेहतर हो गया। अयाज सादिक का बयान बहुत तकलीफ देह है, काबिल मजम्मत है, लेकिन मैं एक तरफ और तवज्जो आपके दिलाऊंगा कि पुलवामा में हमारा कोई हाथ नहीं था, हमारी फौज, हमारी हुकूमत, हमारी कौमी सलामती की पॉलिसी ये नहीं है कि हम दहशतगर्दी करें, कि हम लोगों पर अटैक करें, हम लोगों पर बम मारें। हम पुलवामा में हमने किसी कन्वाय पर हमला नहीं किया, किसी फौजी कन्वाय को टारगेट नहीं बनाया, हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसको हम कहें कि हमने पुलवामा जीत लिया। फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं आज कौमी असेंबली में खड़े होकर, मैं दोहराना नहीं चाहता वो जुमले जिससे इंडिया फिर खेल रहा है। अब मैं आपको फर्क बताता हूँ कि अयाज सादिक के बयान से हिंदी मीडिया खेल रहा है और फवाद चौधरी के बयान से अंग्रेजी मीडिया खेल रहा है, और ये बहुत अफसोसनाक बात है कि पुलवामा का मलबा हम अपने सर खुद ले रहे हैं, ये भी अफसोसनाक बात है। बिल्कुल बिल्कुल अफसोसनाक बात है, ये हमारी कौमी पॉलिसी की निगेशन है। ये हमारी कौमी पॉलिसी की निगेशन है। हम दहशतगर्दी नहीं करते, हम दहशतगर्दी को फरोग नहीं देते, हम खुदकुश हमले नहीं करते, हम अमन चाहते हैं, सलामती चाहते हैं, अपने मुल्क की सलामती चाहते हैं, हम खित्ते की सलामती चाहते हैं, लेकिन मतलब ये नहीं है कि आप आए हम उस पर हमला करके चले जाए, जवाब मिलेगा और ना हमारी टांगें कांपेंगी, ना हमें पसीना आएगा। ये कौम बड़ी पागल कौम है, अजीब व गरीब कौम है, कितने ही इख्तलाफात इस कौम के हों, ये अपनी फौज के पीछे ऐसे खड़ी होती है, इनको तो पता होगा यार सादिक को कि कैसे खड़ी होती है, फिर भी मुकर जाते हैं बातों से। इनको मुकरना भी नहीं चाहिए, इनको हकीकत तस्लीम करनी है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कौमी असेंबली में खड़े होकर, और फवाद चौधरी को भी। मैं फवाद चौधरी साहब के भी बयान पर आती हूँ। जनरल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जनरल साहब, मैं यही कह रहा था कि फवाद चौधरी ने अगर कोई ऐसा बयान दिया है जिससे कि ये अंदाजा या इस तरह की इंडिकेशन होती है कि पाकिस्तान मुलव्वस है,
पुलवामा के वाक्य में, तो ये उतना ही काबिल मजम्मत है जितना वो है, क्योंकि पाकिस्तान की सिर्फ पॉलिसी ये नहीं है बल्कि पाकिस्तान किसी भी एक्ट में मुलव्वस नहीं था। देखिए एक चीज मैं वाज़ेह कर दूं, वो इंटेलिजेंस एजेंसी कहलाने की हकदार नहीं है जो अपने मुल्क से भेज के किसी जगह को दहशतगर्दी कराए। इंटेलिजेंस एजेंसी हमेशा वहां से लोग लेके वहां कराती है ताकि अगर पकड़ा जाए मारा जाए तो उधर का आदमी हो। सो यहां से हमें पता था कि ये बगराम जेल से पाकिस्तानियों को लेके गए हैं जो जहाद के नशे में शौक में छलांगे मारते हुए अफगानिस्तान गए, उनको रॉ लेके गई, रॉ ने वहां पे उनको कैद कराया और जेल से लेके जाते हैं उनको और वहां पे जाके उनसे ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाते रहे हैं, पठानकोट का भी और दूसरे भी उड़ी वाला भी। अब इन ऑपरेशन में जो उन्होंने खुद अरेंज किए, इसका मलबा अगर हम खुद अपने तौर पे ले लें, जिस तरह के मैं मियां नवाज शरीफ को क्रिटिसाइज करता हूं कि उन्होंने बॉम्बे के वाकये का अपने ऊपर लिया और कहा जी हमें भेजने चाहिए थे, ये मैं आज दिन तक समझता हूं कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल जुल्म किया अपने मुल्क के साथ। और अगर फवाद चौधरी भी उठ के यही बात करे वहां पे तो फिर इनका और उनका फर्क क्या रहा, ये हुकूमत में बैठ के अगर इस तरह की फजूलियात बोलेंगे तो इनके भी मुंह बंद उसी तरह करने चाहिए। चलें, मैं मोना से इस बारे में कमेंट लेती हूं। मोना साहब, मैंने फवाद का टैक्स भेज दिया है। मोना, यही मसला है जैसे कि मैंने सवाल जब मैं बात करना मैंने ग्राउंड बनाया कि हमने किस तरह से मामला पर गुफ्तगू करनी है। हमारे पॉलिटिशियंस जोशी खिताबत में ये भूल जाते हैं वो किस किस्म के बयान दे रहे हैं, लेकिन बात फिर वहीं से आती है कि कहीं का एक्शन होता है तो रिएक्शन में फिर इस किस्म के बयान आते हैं। अब आप, मैं चाहूंगी कि फवाद चौधरी साहब वाले कमेंट पर भी अपना तज्जिया दे दीजिए और अयाज सादिक वाले मामले पर भी। थैंक यू दरियाब, पता नहीं कहाँ से करूँ ये बात, बिल्कुल सही है। पहले तो अयाज सादिक साहब पे बात कर लेते हैं, वो क्योंकि उनका बयान पहले आया और ये जो अभी नसीम साहब भी एक गालिबन बात ये उन्होंने की थी कि ये कड़ी नजर आ रही है, क्योंकि उससे पहले हमने देखा ओवैस नूरानी साहब का बहुत अजीब सा एक बयान था जो उन्होंने बलूचिस्तान में दिया था, फिर उन्होंने कहा उस पर बैक ट्रैक हुए, फिर ये अयाज सादिक साहब का बयान, आज बल्कि एक और बयान का इसमें इजाफा कर लें, ये सेनेटर अताउर रहमान साहब ने भी जी, आज एक ऐसी बात की है कि जिसका कोई आप समझें कि राइम और रीजन नहीं है और बहुत शर्मनाक और बहुत ही जैसे कहते हैं खतरनाक बयान है। उन्होंने इस हद तक कह दिया है कि पाकिस्तान की तरफ से और आर्मी की तरफ से इस लेवल की उनके ऊपर इल्जाम तराशी की है कि ईरान अफगानिस्तान इंडिया में जितने दहशतगर्दी के वाकयात होते रहे उनके ताने बाने यहाँ से बनते रहे। तो मैं समझती हूँ इससे बड़ी तो एलिगेशन कोई हो ही नहीं सकती, और मैं ये भी समझने से कासिर हूँ कि इसको हम गद्दारी ना कहेंगे तो क्या कहेंगे, खास तौर पर ये जो अताउर रहमान साहब का बयान अभी हाल ही में हुआ है जो उन्होंने अब दिया है इसमें इजाफा किया है। अच्छा, हैविंग सेड दैट, अयाज सादिक साहब बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं एक बड़े जीरक सियासतदान है, एक सेन पॉलिटिशियन है, और उनसे ये तवक्को किसी ने नहीं की थी मुझ समेत। तो मैं भी बड़ी इस मामले में परेशान हूं कि आया वो उस वक्त या तो किसी कैफियत में थे या एक अग्रेशन में थे जो उन्होंने इस किस्म की बात की। ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि वो जो क्वार्टर्स हैं या एस्टेब्लिशमेंट है उनसे उनके अच्छे रवाबित हैं, अयाज सादिक साहब के मतलब अच्छे रवाबित हैं या थे, अब मुझे मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन सो फार इस बयान तक जो सिनेरियो था। और ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो बल्कि उनके जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है पीटीआई में भी उनके बहुत अच्छे लोग हैं जो उनको बहुत कदर की निगाह से देखते हैं, क्योंकि एक बड़ा आम सा तासर ये है कि ख्वा किसी भी पार्टी से किसी सियासतदान का ताल्लुक हो, अगर वो कदावर सियासतदान है, समझदार है, जीरक है, हक बात करने वाला है, तो उसकी हर पार्टी में कदर होती है। तो अयाज सादिक साहब उन लोगों में से थे। मैं समझने से कासिर हूं कि उन्होंने किस फेज में ये कल वाला अपना बयान दिया है, आज उन्होंने हत्ता ये उस पे वजाहतों पे वजाहतें वो पेश करने की कोशिश कर रहे थे, ये कह रहे थे कि सियाको सबाक से हटके इंडियन मीडिया ने उनका बयान पेश किया, ये बिल्कुल बात गलत है। वो जो कह रहे थे वो वाकई वही कह रहे थे जो हम तमाम ने सुना है। अच्छा, इस पूरे वाकये के बाद ये जो 27 फरवरी वाला था, मैं उन जर्नलिस्ट में से थी, इत्तेफाक था कि जो वजीर आजम इमरान खान ने जिनको बुलाया था ब्रीफिंग के लिए 27 फरवरी के वाकये के बाद, और उसमें आप यकीन करें जरिया सबको बताना चाहती हूँ, उस पर हमने बड़े प्रोग्राम्स भी किए थे कि बड़े जैसे कहते हैं ना तल्ख किस्म के सवाल हुए थे वजीर आजम से कि जी ये कैसे हुआ। मैंने भी उनसे सवाल किया था कि ये जो पायलट थे कितने पायलट थे, आपने कितनों को कैप्चर किया वगैरह वगैरह, कितने जहाज गिराए गए, बहुत तल्ख सवालात हुए थे। देखिए बहुत दो टोक बात है, इसमें तो कोई इख्तिलाफ है ही नहीं कि हमने अभिनंदन को वापस इसलिए किया था ताकि डी एस्केलेशन हो सके,
इसीलिए किया था ना, ये तो पाकिस्तान का बाकायदा ऑफिशियल इस पे मौकफ है कि हमने इसलिए किया था कि भारत कोई मिसएडवेंचर चाह रहा था। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत किसी हमले की फिराक में था, लेकिन कतर हम उससे डरे नहीं थे, हमने तो जो उनको रिस्पॉन्स देना था वो हम दे चुके थे। उससे मैं समझती हूँ, उससे तो जो शर्म जिसका मकाम जो भारत को उठाना पड़ा है और जो शर्म शर्मिंदगी उठानी पड़ी है भारत को दुनिया भर में, वो तमाम के सामने है। हम तमाम जानते हैं, पूरी दुनिया में हंसी उड़ाई गई है, खिल्ली उड़ाई गई है भारत की। और ये जो रफेल डील है जिसके ऊपर बात हो रही है, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आपको पता होगा आपके इल्म में कि ये अंबानी ग्रुप जो बहुत बड़े फाइनेंसियर्स हैं मोदी के और उनकी हुकूमत के आरएसएस के, ये बेसिकली उनके साथ एक बहुत अजीब किस्म की डील है जो कि फ्रांस की हुई है। इसी वजह से वो इस वक्त आप देख रहे हैं कि भारत बिल्कुल यहाँ वहां बखलाए हुए बच्चे की तरह भाग रहा है फ्रांस को डिफेंड करने के लिए, ये गुस्ताखाना खाकों वाले मामले पर। तो ये भी एक बहुत बड़ा उसका फैक्टर है रफेल डील, वाकई ये उनने की ही इसलिए है, उसमें बहुत बड़ा एक जो पिविटल रोल था वो इस पूरी चीज का था। और इसी वजह से पुलवामा को कहा जाता है कि पुलवामा भारत ने अपने ऊपर खुद हमला करवाया था, पुलवामा जो था वो भारत का एक फ्लैग ऑपरेशन था। ये बात थी। और अभी नासिर साहब कह रहे थे, मैं इजाफा करती हूँ कि अभी दो चैनलों पे मैं होके आई हूँ, इंडियन मीडिया पागल हो गया फवाद चौधरी साहब के बयान। अब उन्होंने, फवाद चौधरी साहब ने भी, वो बहुत ओवर द बोर्ड चले गए अयाज सादिक साहब को जवाब देने में, और उन्होंने ये कह दिया कि जी पुलवामा, मैं मेरा ये ख्याल है वो गालिबन बालाकोट कहना चाह रहे थे, और उन्होंने बार बार पुलवामा 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 में हमारा कोई हाथ नहीं है। और इवन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये बात कर रहे थे जब उनसे हमारी ब्रीफिंग हुई थी कि हम पता है किस चीज पे प्ले अप कर रहे हैं, 27 फरवरी के वाकये पे हम इस चीज पर प्ले अप कर रहे थे कि भारत ने हमारे बॉर्डर्स की सैंक्टिटी को वायलेट किया है। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉर्डर्स को क्रॉस करने की, जो अभिनंदन आया फिर उसी मौके को कैप्चर करके विद इन सेकेंड कार्रवाई की गई, उसका जहाज गिराया गया, शुक्र है कि उसको पाक अफवाज ने बचा लिया, वरना उसकी जो है वो दुर्घट बना दी थी अवाम ने जब वो वहां से अपने क्रैश हुआ था वो अपने तैयारे में। तो ये तमाम बातें अपनी जगह पर मौजूद है। हम तो प्ले अप इसी चीज को कर रहे हैं कि भारत ने हमारी सैंक्टिटी बॉर्डर्स की खराब की है। और फवाद साहब बिल्कुल अपनी इस बात से ये तासुर देते हुए नजर आए हैं कि जी पुलवामा पुलवामा, दे हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव विद वर्ड्स। ये बिल्कुल आप जज्बाती बयान, फवाद का भी तज़हीक सिचुएशन हमारे लिए लाकर खड़े कर देते हैं। उनके पास जगम साहब, अभी 2 रोज पहले